अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आने वाले टाइम में आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को जब हम वायोलेट करते हैं, किसी वीडियो को बनाकर कुछ ऐसी हम वीडियो बना देते हैं जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को वायोलेट करती है, तो यूट्यूब उस वीडियो को टर्मिनेट कर देता है, उस वीडियो को डिलीट कर देता है। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो यूट्यूब की नज़रों में नहीं आती हैं और यूट्यूब उनको डिलीट नहीं कर पाता है, लेकिन उसके खिलाफ जो है कोई अलग से उसकी कंप्लेंट कर देता है, तो उस कंप्लेंट के ज़रिए जो है आपको जेल हो सकती है। तो गाइस मैं बात करने वाला हूँ फिलहाल आई हुई एक न्यूज़ के बारे में, जिसमें बताया गया है कि 3 यूट्यूबर को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। और गाइस ये यूट्यूबर्स वो थे जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में जो है इन्होंने प्रैंक वीडियोस शूट की, और प्रैंक वीडियोस में इन्होंने बहुत ज़्यादा अश्लीलता दिखाई, जिसकी वजह से इन्हें बेनिफिट तो हुआ, इन्होंने कम से कम यूट्यूब से 2 करोड़ रुपये कमाए, बट इन्हें जो है पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आपको अभी वीडियो में एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ। उस क्लिप से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा सिर्फ प्रैंक वीडियो से ही आपको जेल हो सकती है, या फिर कुछ और कैटेगरी भी है, या फिर कुछ और तरीके की वीडियो भी हम बनाएंगे तो क्या हमें जेल हो सकती है, तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। तब तक आप ये क्लिप देख सकते हैं। मुंबई पुलिस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक बहुत अच्छी केस की है, जिसमें कुछ यंगस्टर्स कुछ फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं जिसपे बहुत ही अश्लील तरीके के वीडियोस वो अपलोड करते हैं। इसका मोडस बेसिकली ऐसा रहता है कि ये कुछ लड़कियों को बुलाते हैं कि कुछ छोटा सा एक प्रैंक करना है, और जो यहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस है मुंबई के, जैसे बांद्रा फोर्ट एरिया हो गया, जुहू बीच, अक्षय बीच, गोराई बीच, और कुछ MCGM के पार्क्स भी है जहाँ पर इसका शूटिंग किया जाता है। 5 से 10 मिनट का रफली ये वीडियो होता है। वो ओवरऑल वीडियो बहुत ही गंदा और भद्दा लगता है। ये सब वीडियोस तैयार करने वाले 3 आरोपी अभी तक गिरफ्त में है। गाइस आपको सिर्फ प्रैंक वीडियो से ही जेल नहीं हो सकती, आप अदर कैटेगरी में अगर वीडियो बनाते हैं, मान लो कि आप टेक में वीडियो बनाते हैं और आप जो नॉलेज देते हैं वो एक फेक नॉलेज होती है, अपनी ऑडियंस को आप मिसलीड करते हैं, उन्हें गलत जानकारी देते हैं, गलत वेबसाइट पर लॉगिन करवाते हैं, या फिर गलत ऐप को यूज़ करवाते हैं, उसको डाउनलोड करवाते हैं, या फिर अपने यूज़र का, आप अपने जो ऑडियंस है उसका डाटा अपने पास रखते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं, या फिर आप हैकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आप किसी ऐप को हैक करने के बारे में बता रहे हैं तो वो एक बड़ा केस नहीं होता है, बट अगर उसका ओनर चाहे तो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है और उसमें भी आपको जेल हो सकती है। तो गाइस अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो आपको जो है एक रियल कंटेंट बनाना है, आप अपनी ऑडियंस को जो है सही जानकारी आपको देनी है। गाइस अगर आप यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे के चक्कर में आप कोई गलत रास्ता आपको नहीं चूज़ करना है, आप जो है सही तरीके से वीडियो बनाइए, सही जानकारी दीजिए। यूट्यूब पर बहुत पैसा है, आपको फिर भी बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। गाइस अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहती हैं। तो फिलहाल गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।